वही कि मूवी थोड़ी सी पकाऊ थी, स्टोरी लाइन और अच्छी हो सकती थी, बट ओवर एक्टिंग और सब दिखा के ना मतलब बोर कर दिया है। और मैं बॉयकॉट पे तो नहीं जाऊँगा, बट एज अ व्यूअर मूवी अच्छी नहीं हुई, बहुत लंबी खींच दी मूवी पहली बात तो, और मूवी में और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो सकती थी, कास्टिंग पर प्लस ओवर एक्टिंग। कास्टिंग कैसी थी? कास्टिंग तो अच्छी थी, बहुत ना स्टार सुपर है, लेकिन बट एक्टिंग उन लोगों की एकदम बेकार। रणबीर कपूर को जान रहे कोई पूछ नहीं रहा इस टाइम, तो अगर और अच्छे एक्टर लिए होते या स्टोरी लाइन और अच्छी रहती तो पिक्चर हिट हो जाती। कौन से एक्टर होने चाहिए थे आपके हिसाब से? ऋतिक रोशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऋतिक रोशन। हाँ, क्योंकि इसमें एक्टिंग, हाँ, बट इसमें स्टोरी लाइन इतनी वीक थी कि कोई अच्छा एक्टर भी कुछ कर नहीं पाता, और इस मूवी को ज़्यादा लंबा खींच दिया गया है। मुझे लगता है 3 पार्ट की जरूरत पड़ेगी इस मूवी को। अमिताभ बच्चन का एक्टिंग और अमिताभ बच्चन तो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, नागार्जुन तो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए है। बड़े बड़े एक्टर्स को लिया लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाया अच्छे से। और इस मूवी में बहुत VFX की बात की जा रही है, VFX हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत देख रखा है, तो उसको मुझे लगा एक्स्ट्रा डाल दिया गया, जितने की जरूरत थी नहीं ना वो भी डाल दिया। एक्शन चाहते तो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन सारा एक्शन इन लोगों ने VFX पर डिपेंड कर दिया। पहली बार बॉलीवुड ने VFX का यूज़ किया। हाँ, वो चीज़ है, इसीलिए पब्लिक पागल हो रखी है ना कि VFX, लेकिन VFX जहाँ पर जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डाल दिया। नॉर्मल एक्शन जहाँ होना चाहिए वहाँ पर भी VFX, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी VFX, तो मेरे अकॉर्डिंग पिक्चर हम लोगों ने इतनी देखी रखी है हॉलीवुड और ये सब, तो इतना मज़ा नहीं आया। और सबसे बड़ी जो इसमें कमी थी वो स्टोरी लाइन की थी, स्टोरी कुछ नहीं है, 3 पार्ट की तो जरूरत ही नहीं थी। एक पार्ट में ये पूरी स्टोरी समझ लीजिए रोमांटिक मूवी है, ब्रह्मास्त्र पे तो खाली नाम दे दिया गया, मतलब सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड बिल्कुल नॉट एट ऑल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं तो एकदम खुश नहीं हुआ, पैसा वेस्ट हो गया। और पावरफुल इसमें कोई करेक्टर कौन सा, मतलब कोई एक तो होगा कुछ तो अच्छा लगा होगा करेक्टर कोई मेरे इसका करेक्टर देखकर विशेष शक्ति तो रणबीर कपूर के पास ही थी, वही मेन है, बट पिक्चर में दम नहीं है। नहीं दम। चलिए, धन्यवाद।